अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। आज हम बना रहे हैं फ्राइड चाप, मटन में बना रही हूँ मैं। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी जबरदस्त किस्म की रेसिपी है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा मटन है ये मेरे पास, मतलब चापे ही लेनी है आपने सारी, ठीक है। चाप का गोश्त जो होता है 1 किलो है ये। दही है 1 कप, सिरका है 2 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर है 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन की पेस्ट भी ले सकते हैं। करना ये है कि बस सारी चीजों को मिक्स करके मैरिनेट करना है चापों को और रख देना है उसको, तकरीबन कम से कम आपने 1 घंटे के लिए रखना है, और आप ओवरनाइट रखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन। सबसे पहले सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। दही के अंदर मैंने डाला है अदरक, लहसुन, काली मिर्च पाउडर, नमक है और सिरका। ये मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद आपने इसको गला लेना है, और गलाने के बाद हम इसकी कोटिंग करके इसको अंडे में डिप करके और फ्राई कर लेंगे। तो हमारे पास फ्राइड चांप रेडी हो जाएगी। फ्राइड चांप के साथ हम बना रहे हैं घुघरे हुए चावल, जिसके लिए मेरे पास चावल है 1/2 किलो, 500 ग्राम है, प्याज है आधी, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, आधी प्याली मेरे पास घी है, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें या पाउडर ले लें, और मिक्स गरम मसाला है जिसमें 5 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची है, 1 टीस्पून जीरा है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। इनको लेके आपने अदकुटा कर लेना है, ठीक है। तो चलें हम जाके चावल भगा लेते हैं। चावल भगाने के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ घी, आधी प्याली मेरे पास घी है, प्याज ऐड करेंगे, हल्की से किनारे गोल्डन हो गए प्याज के, मैंने डाल रही गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला है मेरे पास, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट पाउडर है, पानी के बाद मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर, और साथ ही मैंने डाला है, बस इसको उबाल आएगा तो हम चावल ऐड कर देंगे, और फिर चावलों को हम दम पे रख देंगे, तो हमारे पास भगवे में चावल रेडी हो जाएंगे। पानी जो मैंने ऐड किया था उसको उबाल आ गया है, मैं इसके अंदर चावल ऐड करूंगी। पानी खुश्क हो गया है, अब मैं चावल दम पे रखने लगी हूँ 15 मिनट्स के लिए, इसको हम दम पे रख देंगे। फिर साथ ही हम यहाँ पे चापों को फ्राई करेंगे, उनको मैंने गला लिया था, और अब मैं अंडे में डिप करके उसको फ्राई करूंगी। ये है चापे, इनको मैंने ना कुकर में डाल के गला लिया है, ठीक है। आप भी आप अगर कुकर में डाल के गलाना चाहें या हल्की आंच पे इस तरह इनको गला लेना है बस। अब हमने क्या करना है, अंडे को लेना है और उसको फेंट लेना है, और एक एक चाप को आपने डिप करना है उसके अंदर और फ्राई कर लेना है। हम्म,
ये देखें जी, ये हमारी चांपें अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। मैंने उनको टर्न कर दिया है और गली भी तो थी ही, अंडा ही था जिसने कुक होना था और चावल दम पे हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।